इस वीडियो में हम लोग HRC फ्यूज के बारे में समझेंगे, जो कि पावर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। HRC फ्यूज क्या होता है समझने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। HRC फ्यूज, जिसका पूरा नाम हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी होता है, HRC फ्यूज भी नॉर्मल फ्यूज की तरह होता है, जिसमें फ्यूज वायर शॉर्ट सर्किट करंट को एक सर्टेन लिमिट तक कैरी करता है। एंड जब फ्यूज के थ्रू एक्सेस करंट फ्लो करती है तो फ्यूज मेल्ट हो जाता है। HRC फ्यूज का बॉडी हीट इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ रहता है, लाइक सेरामिक। सेरामिक बॉडी के इंड पोर्शन पर ब्रास इंड प्लेट ऐड रहता है, जो कि सेरामिक बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आउटर एलिमेंट है जिसके साथ फ्यूज एलिमेंट कनेक्ट रहता है। जनरली फ्यूज एलिमेंट को बनाने के लिए सिल्वर और बाईमेटालिक मटेरियल का यूज करते हैं। HRC फ्यूज के इनर पोर्शन पर पाउडर फील्ड रहता है। पाउडर में कुछ मटेरियल कंटेन रहता है, लाइक क्वार्ट्ज, प्लास्टर ऑफ पेरिस, डस्ट, मार्बल, चौक एक्सेट्रा। फ्यूज में इस पाउडर को हम लोग इसलिए फील्ड करते हैं ताकि आर्क एक्सटिंग्यूज हो सके। फ्यूज एलिमेंट में टू और मोर जॉइंट्स रहता है, जो कि टीन के हेल्प से जॉइंटेड रहता है। टीन जॉइंट का मेन पर्पस होता है लॉन्ग आर्क फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना। टीन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट 230 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फ्यूज मेटल सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट 960 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए अंडर फॉल्टी कंडीशन जो टीन मेटल है वो पहले मेल्ट हो जाएगा कंपेयर टू सिल्वर मेटल, जिसके कारण सिल्वर फ्यूज लिंक जो है वो हाईली हीट नहीं होगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी सिंपल था। अब इसके वर्किंग को हम लोग देखेंगे। अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन फ्यूज लिंक के थ्रू नॉर्मल रेटेड करंट फ्लो करती है, जिसके कारण हीट एनर्जी उतना सफिशियंट नहीं होता है जो कि फ्यूज के जॉइंट एलिमेंट को मेल्ट कर सके। लेकिन जब कोई शॉर्ट सर्किट ऑकर होता है, लाइक फेज टू फेज फॉल्ट, फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, तो फ्यूज लिंक एंड फ्यूज मटेरियल के थ्रू वेरी हाई करंट फ्लो करती है, जिसके कारण वहाँ पे हाई थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी डेवलप होता है। एंड उस हीट के कारण जॉइंट मेटल जो है वो मेल्ट हो जाता है, जो कि टीन मेटल का बना हुआ रहता है। जब टीन मेल्ट हो जाता है तो वहाँ पे आर्क का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही आर्क फॉर्म होता है तो वेपराइज्ड टीन एंड क्वार्ट्ज पाउडर के बीच केमिकल रिएक्शन होता है। एंड वहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस बनता है, जो कि आर्किंग प्रोडक्ट को क्वेंच करता है। एज अ रिजल्ट आर्क कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है एंड इस तरह से फॉल्ट करेंट इंटरप्ट हो जाता है एंड सर्किट में कनेक्टेड डिफरेंट अप्लाइंसेस डैमेज होने से बच जाता है। HRC फ्यूज यूजुअली 3 टाइप्स का होता है। NH फ्यूज, NH टाइप फ्यूज का यूज लो एंड मीडियम वोल्टेज के लिए किया जाता है। इस टाइप का फ्यूज शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड सिचुएशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। NH टाइप फ्यूज आर अवेलेबल इन लाइट वेट विथ स्पेसिफिक पैरामीटर्स। सेकेंड वन इज DIN टाइप HRC फ्यूज। दीज आर अवेलेबल इन वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। इट इज यूज इन डिफरेंट टेम्परेचर विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। दीज आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ वोल्टेज एंड इट इज यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। थर्ड वन इज ब्लेड टाइप फ्यूज। दिस टाइप ऑफ फ्यूज इज ऑल्सो नोन एज प्लग फ्यूज। अवेलेबल विथ प्लास्टिक बॉडी एंड टू मेटल कैप्स। इट इज यूज इन कार्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट। एडवांटेज ऑफ HRC फ्यूज।
HRC फ्यूज अदर फ्यूजेस के कंपैरिजन में चीपर होता है। इसका डिज़ाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है एंड सिंपल होता है। इसमें किसी तरह का मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो काफ़ी इजी होता है। HRC फ्यूज का ब्रेकिंग कैपेसिटी हाई होता है। इसमें इन टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए परफेक्ट होता है। डिसएडवांटेज ऑफ HRC फ्यूज, इस टाइप का फ्यूज ड्यूरिंग क्लोज कॉन्टैक्ट ओवरहीट हो जाता है। HRC फ्यूज को हर एक ऑपरेशन के बाद चेंज करना पड़ता है। HRC फ्यूज के इनसाइड जो आर्क प्रोड्यूस होता है उसके कारण हाई थर्मल हीट जनरेट होता है, जिसके कारण एक्सटर्नल स्विच जो है वो डैमेज हो सकता है। HRC फ्यूज का यूज लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसका यूज मोटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। HRC फ्यूज का यूज सेमीकंडक्टर डिवाइसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसका यूज एज अ बैकअप प्रोटेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर किया जाता है। आई होप इस टॉपिक को मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।